सभी सम्मानित किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, ये वीरेंद्र जी हैं हमारे, और ये ब्लॉक में जो मोरना ब्लॉक है मुजफ्फरनगर का, उसमें ये प्राविधिक सहायक हैं, टेक्निकल असिस्टेंट जी ने बोलते हैं। और ये जो सोलर पावर जो ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूबवेल है, ये आज हमें इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस किस प्रकार से ये मतलब जो है लगाया जा सकता है, कैसे सब्सिडी मिलेगी इस पर, कैसे छूट मिलेगी, किस किस प्रकार से क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और क्या और दूसरी चीज़ें इसमें मतलब जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए, नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार, मैं आज अपने किसान भाइयों को सोलर पंप कैसे स्थापित किया जाता है किसान भाइयों को, और अनुदान कैसे मिलता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम किसान भाई के पास ज़मीन होनी चाहिए, किसान होना चाहिए, उसके पास एक एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और उसके पास आधार कार्ड और बैंक में खाता होना चाहिए। उसका कृषि विभाग की एक हमारी साइट है यूपी एग्रीकल्चर, उसके पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उसके बाद किसान को अपनी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। जी जी जी, जो चलान है वो बैंक के माध्यम से कृषि विभाग में जी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ये आपके खेत में लग जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो सोलर प्लांट है, सोलर ऊर्जा वाला जी, इसे ठैग ठैग दिखाओ जी, इसे थोड़ा सा ये बिजली से नहीं चल रहा है। वाह जी वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा था जी कि इतना प्रेशर है इसके अंदर, इतना प्रेशर है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिजली से चल रहा हो। ये बिजली से नहीं चल रहा है, तो ये इतना प्रेशर बना देता है जी। ये देखिए, आप इधर आके देखिए कैसे चल रहा है, इधर से दिखाइए जी। जी जी जी, ये 9 प्लेट लगी है। हाँ जी, 3 HP DC करंट दे रही है। 3 HP जगह जी है जी, 3 HP का DC का करंट दे रही है, 3 हॉर्स पावर। हाँ जी, ये डीसी करंट है जी ये। हाँ, ये इसकी वायर है। अच्छा जी, ये वायर देखिए, इधर वायर दिखाइए किसान। ये इसका स्टार्टर है जी। अच्छा जी, और ये इधर वायर है जी इसका, ये इसकी वायर आई हुई है। हाँ जी, ये वायर आ रही है जी, ये चली गई इसके, ये मोटर में जा रही जी अंदर जो है, ये चली गई बोरिंग में। और ये आपका 3 HP जो है DC करंट जी रहा है, इससे ये आपकी चल रही है और बहुत अच्छा पानी दे रही है किसान भाइयों को, बिजली बचाने का काम हो रहा है और देश हित में भी बिजली बच रही है जी। और सौर ऊर्जा से ये जी हमारी ट्यूबवेल चल रही है, ये एक दिन में 1 एकड़ तक सिंचाई कर सकती है, तो काफ़ी सिंचाई कर दे जी ये तो। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी।